हेलो दोस्तों, मैं हूँ टर्टल यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टेरेस सिक्लिड के बारे में। ग्रीन टेरेस सिक्लिड भी बहुत कलरफुल सिक्लिड होती है। वैसे तो ये एक साउथ अमेरिकन सिक्लिड है, तो ये सेंट्रल अमेरिकन सिक्लिड से थोड़ी कम एग्रेसिव होती है, लेकिन ये फिश भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। ये ऑस्कर से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन जो इसका साइज़ होता है वो बाकी सिक्लिड से थोड़ा छोटा होता है। बाकी सेंट्रल अमेरिकन सिक्लिड्स या अमेरिकन सिक्लिड से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसकी केयर भी आसान होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। मगर अगर आप इसे ला रहे हैं तो ये बात भी ध्यान रखें कि ये एग्रेसिव हो जाएगी आगे चल के, तो इसलिए ये भी ज़रूरी कि आप टैंक थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखें, मतलब 3 फीट से ज़्यादा बड़ा टैंक रखें अगर आपको इसके साथ आगे चल के टैंक मेट सेट करना है। और ग्रीन टेरेस सिक्लिड भी बहुत एग्रेसिव और बहुत ब्यूटीफुल होती है, और जो इसमें मेल होता है उसको हम्प भी आता है, जैसे फ्लावर हॉर्न्स को हम्प आता है या फिर अलग अलग फ्रंटोजा को जैसे हम्प आता है, वैसे ही इसको भी हम्प आता है। और अगर इनके टैंक सेटअप की बात की जाए तो आप इनमें हाइडिंग प्लेसेस और ग्रेवल ज़रूर यूज़ कीजिए। सैंडी ग्रेवल या रॉकी ग्रेवल दोनों ही इसके लिए परफेक्ट रहेंगे, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाइडिंग प्लेसेस की बात की जाए तो आप ड्रिफ्ट वुड डाल सकते हैं या फिर टनल्स डाल सकते हैं या फिर और भी अलग अलग चीज़ें आती हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनसे इनका अग्रेसिव बिहेवियर कम हो जाएगा और ये दूसरी मछलियों पे अटैक भी नहीं करेंगी। और इसी के साथ साथ फ़िल्टर भी यूज़ कीजिए। आप कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, पार फिल्टर या फिर हैंग ऑन बैक फिल्टर, टॉप फिल्टर, कैनिस्टर फिल्टर, लेकिन स्पंज फिल्टर मत यूज़ कीजिए क्योंकि सिक्लेट्स वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। और हफ्ते में 30% पानी चेंज करते रहें इनका, जिससे इनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और कोई डिसीज़ भी जल्दी अटैक भी नहीं करता है इन पर अगर आप पानी चेंज करते रहेंगे तो। और अगर इसकी फीडिंग की बात की जाए तो आप कोई भी पैलेट्स इनको खिला सकते हैं, लेकिन अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा कलर भी देगा और अच्छा हम भी देगा और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप फीडिंग दे रहे हैं तो आप इनको हिकारी सिक्लेट्स दे सकते हैं और आप ओकीको प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए ओकीको प्लैटिनम भी अच्छा रहता है, जिससे इनका साइज़ भी बहुत जल्दी बड़ा होता है। या फिर अगर चीफ फूड्स में जाए तो आप ऑप्टिमम सिक्लिड दे सकते हो, ऑप्टिमम 3-in-1 दे सकते हैं। ये दोनों फूड्स भी इनके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तो हिकारी का बायोगोल्ड ही रहेगा या फिर ओकीको प्लैटिनम। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।